आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस पर बैन को 22 जनवरी तक बढ़ाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगी बैठक। सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल जाएंगे प्रयागराज, रेलवे ओवरब्रिज का करेंगे शिलान्यास। पश्चिम बंगाल सरकार ने 100% कैपेसिटी के साथ थिएटर खोलने की दी इजाजत। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 269 नए केस सामने आए, 7 लोगों की मौत। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की खबर। औरैया से है, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया है। सीएमओ अर्चना श्रीवास्तव ने मीडिया को जानकारी दी कि कुल एक्टिव केस 32 हो गए हैं और मरीजों के इलाज के लिए आइसोलेशन की पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही सीएमओ ने लोगों से अपील की है कि शासन के दिशा निर्देशों का लोग पालन करें और कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट किया गया है। हमारे यहाँ 14 धनात्मक केस मिले हैं और कल तक 18 केस थे, तो इस तरह हमारे जो है कुल 32 एक्टिव केस हैं। और हमारा जो आइसोलेशन है, इसमें एक नवजात बच्चा है जिसका डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई थी, उसको बर्थ एस्फिक्सिया था जिसके लिए रिम्स में भर्ती किया गया था। ऐसा सूचना मिली है कि वो रूटीन में जब उनकी टेस्टिंग करी है उस नवजात बच्चे की, वो भी कोविड पॉजिटिव आई है और रिम्स में भर्ती कराई गई है। और हम लोग ने आइसोलेट, अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है जिसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा हो। सारे मरीज घर पे आइसोलेशन में है, निगरानी में है, उनको फोन किया जा रहा है, उनको दवाएं पहुंचा दी गई हैं, उनके कॉन्टैक्ट ट्रेस किए जा रहे हैं और उनकी टेस्टिंग भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त अब हम लोग जो है टीकाकरण को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जिसे कैंपेन मोड पे कर रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जनपद वासी जो हैं ज्यादा से ज्यादा कोविड टीकाकरण जिनका हो जाए। औरैया में बिन मौसम बारिश से किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान हो रहा है। सरसों की फसल को लेकर किसान ज्यादा ही चिंतित हैं, तो वहीं किसानों के कच्चे आलू की फसल के रेट ना मिलने से किसानों ने आलू की खुदाई नहीं करवाई थी। वहीं आलू की फसल में झुलसा रोग लग रहा है जिससे किसान परेशान है। वहीं गोभी की फसल को भी नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी वजह से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ये जो बारिश हो रही है, इससे पीला अपन जो फूल आ रहा है, ये सब बारिश में ख़राब हो जाएगा। और है तो फसलों को ये मतलब लाहा सबसे ज़्यादा, मैंने आलू भी है, आलू जो जो बेल है, जो ये सब बेल झुलस जाएगी। फतेहपुर के विकास खंड देवमई में मुसाफा गांव में सड़कें खस्ता हाल दिखाई दे रही हैं और ये सड़कें प्रशासन की ओर से किए जा रहे दावों की पोल खोल रही है। बता दें कि दूर दूर तक सड़कों पर सिर्फ गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, नाले की चोक हो गए हैं और सड़कों की खस्ता हाल और गंदगी दिखाई पड़ रही है। सफाई व्यवस्था की पोल खोल रही है ये गंदगी। मुसाफा गांव के निवासियों की ओर से कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को जानकारी देने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसी समस्या का निदान न होने पर गांव वाले भी अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़कर शांत बैठ गए हैं। अब देखना है कि ये सड़कें कब फिर बनेंगी। तो खस्ता हाल सड़कों की तस्वीरें ये सामने आई है, जो कि हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, गंदगी देखने को मिल रही है। फतेहपुर से ये खबर सामने आई है, जहां शिकायत करने के बावजूद इस पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूर दूर तक सड़कों पर सिर्फ गड्ढे नजर आ रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमरदीप जुड़ चुके हैं। अमरदीप, जो ये तस्वीरें हैं हम देख सकते हैं, गड्ढे दिख रहे हैं, पानी भरा हुआ है, इससे दुर्घटना होने की भी संभावना है, तो क्यों इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्या है पूरा मामला?
ये मामला ये है कि फतेहपुर जनपद के जय विकास खंड देवमई के मुसाफा गांव का मामला है और ये रोड जो है बकेवर कस्बे से लेके कानपुर की सीमा को जोड़ती है जी। पर अगर इसमें बात की जाए तो जो एक प्रशासन ये कह रहा है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, पर चित्रों के माध्यम से देखा जा सकता है कि ये गड्ढे पे सड़क है या सड़क पर गड्ढे हैं। ये बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका कि अभी तक कोई भी निष्कर्ष भी नहीं निकल पाया है। और अगर वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों की माने तो ग्रामीणों ने कई बार उच्चाधिकारियों को जनप्रतिनिधियों को इस मामले से अवगत भी कराया है, पर अभी तक किसी ने भी कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। और एक बात और बताते चले आपको कि इस बकेवर कस्बे से मुसाफा मार्ग होते हुए जो वाहन कानपुर को जाते हैं तो ऐसी रोड पर आए दिन दुर्घटनाओं की संभावनाएं तो बढ़ती भी रहती हैं। पर अगर हम दूसरी तरीके बात करें तो जो वाहन लेके जाते हैं, जो प्राइवेट बस से जाती हैं, वो आए दिन रोड पर बिगड़ी खड़ी रहती हैं। ये जरूर सोचनी विषय है कि आखिरकार ये जो दावे किए जा रहे हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, पर इनको देखने के बाद हकीकत सामने आती है कि गड्ढा मुक्त सड़कें ना हो करके ये गड्ढा युक्त सड़कें हैं। जी जी अमरदीप, लगातार सरकार इस बात के दावे और वादे करती है कि हम सड़कों को गड्ढा मुक्त कर रहे हैं, लेकिन ये गड्ढे तो जानलेवा दिखाई दे रहे हैं। इस पे क्या अधिकारियों से बात की है आपने, उनका क्या कहना है? देखिए ऐसा है कि इस समय जो चुनावी माहौल चल रहा है उसमें कोई भी नेता जनसंपर्क तो दूर दूर कर रहा है, पर फोन उठाने के लिए अपनी मतलब वो नहीं जुटा पा रहा है या क्या है ऐसा मामला, फोन नहीं लग रहे हैं, नॉट रीचेबल बता रहा है। अगर देखा जाए तो नेटवर्क की भी कुछ समस्या आ रही है, पर इस संबंध में जनप्रतिनिधियों से कोई बात नहीं हो पाई है, अधिकारी कोई बात करने की स्थिति पे नहीं है। सब इस समय देखा जाए तो अपने रंग में रंगे हुए हैं। पर हाँ, ये जरूर है कि आगे आने वाले समय में दुर्घटनाओं की संभावनाएं जो बढ़ रही हैं ऐसे रोडों को देखकर उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जी अमरदीप, जिस तरह से चुनावी माहौल है और वोट मांगने के लिए विकास कार्य दिखाए जा रहे हैं और सड़कों को बनवाया जा रहा है, अगर बात करें ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं तो ये किसके अंतर्गत आती है? आखिर इन सड़कों की मरम्मत का काम किसके अंडर में आता है जो इतना लापरवाह है? हम नाम भी जानना चाहेंगे। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो आपने सवाल किया है कि ये आखिरकार ये रोड का मामला किसके अंतर्गत आता है, तो ये मामला जो ये जो रोड आप देख रही हैं वो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है जी। और अगर हम और इसको अगर आगे लेके चलें तो ऐसे ऐसे गड्ढे हैं जहां पर कि पानी भरा हुआ है, इन बारिश के दौरान समझ में नहीं आता कि रोड है या गड्ढे हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अमरदीप जुड़े थे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनपद औरैया के जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने गैर जनपदों से आकर औरैया जनपद में चुनाव में ड्यूटी करने वाले अर्धसैनिक और पुलिस के जवानों की ठहरने की व्यवस्था के लिए जनपद के दिव्यापुर थाने क्षेत्र के अंतर्गत ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल संदोष एकेडमी और जनता इंटर कॉलेज का दौरा किया है, जिसमें अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवानों के ठहरने के लिए पानी, शौचालय, बिजली, स्नान घर और उनके वाहनों की पार्किंग का निरीक्षण किया गया और किसी भी व्यवस्था की कमी पाए जाने पर संबंधित को व्यवस्था को अतिशीघ्र दूर करने का निर्देश भी दिया गया है। इस मौके पर सीओ सिटी सुरेंद्र नाथ यादव के साथ अन्य अधिकारीगण और दिव्यापुर थाना प्रभारी सहित विद्यालयों के प्रबंधक और स्टाफ उपस्थित रहे। हाथरस के जलेसर के रास्ते पर दशकों से एकत्र हो रहे कचरे को इंदौर मॉडल को देख लीगेसी वेस्ट निस्तारण योजना तहत इस्तेमाल करने योग्य बनाया जाएगा। वहीं आधा किलोमीटर से अधिक जगह में सुंदर पार्क और रोजगार के लिए 132 श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से मार्केट बनाई जाएगी। बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि लगभग आधा किलोमीटर से अधिक दूरी में फैले इस कचरे के ढेर का निस्तारण कर जल्द यहां एक सुंदर पार्क और 133 दुकानों की मार्केट नजर आएगी। इस कचरे के ढेर को जिसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 2 मंजिल मकान की छत से भी ऊंची है, जिसे हटाने के लिए पालिका ने कार्यवाही शुरू कर दी है। हाथरस नगर पालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा ने पूजा अर्चना कर जेसीबी को चालू कर दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, लगभग 50 वर्ष पुराना कूड़े के भंडार और यह रोड की एक बहुत बड़ी जन समस्या और लीगेसी वेस्ट में प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन में जितने अभूतपूर्व कार्य करे जा रहे हैं, सबसे बड़ा कार्य आज इस
लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु CNDS अलीगढ़ के सहयोग से आगरा की फर्म को लखनऊ से टेंडर अवार्ड हुआ है और हाथरस की ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान जो काफ़ी लंबे समय से हम लोग उसको लगे हुए थे, इंदौर मॉडल पर हम लोग देखने गए, उसको स्वीकृत कराया, प्रदेश सरकार का, आदरणीय योगी सरकार का धन्यवाद। तो जैसलमेर के रास्ते पर ये फैला कचरे का पहाड़, अब इसको साफ करने की मुहिम चलाई जा रही है। जैसलमेर के जलेसर के रास्ते में ये पूरा पहाड़ देखने को मिलता है कूड़े का, जिसकी अब सफाई कराई जाएगी और यहाँ पे पूरी मार्केट बनाई जाएगी। हाथरस से खबर सामने आ रही है, तस्वीरों में देख सकते हैं कितना बड़ा और विशाल कूड़े का पहाड़ है जिसको साफ करने का अब जिम्मा उठाया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया है कि लगभग आधा किलोमीटर से अधिक दूरी में फैले इस कचरे के ढेर का निस्तारण कर जल्द ही यहां एक सुंदर पार्क और 133 दुकानों की मार्केट बनाई जाएगी। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता मयंक जुड़ चुके हैं। मयंक, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से इस कचरे के ढेर को हटाया जाएगा? जो प्रक्रिया चल रही थी कई समय पहले से चल रही थी, लेकिन आशीष शर्मा चेयरमैन जो आक्रस के हैं उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे पूरी किया है और भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से पूर्ण किया है और इसमें 139 जो दुकानें बनेंगी वह सभी रेखाओं के अंतर्गत आएंगी और उनको बिल दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मयंक जुड़े थे। विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या के बीकापुर में निषाद समाज की संकल्प दिवस रैली आयोजित तो होने जा रही है। निषाद समाज की संकल्प दिवस रैली के जरिए निषाद पार्टी समाज के लोगों को एकजुट कर ताकत का एहसास कराएगी। शहर के एक होटल में पत्रकारों से बात करते हुए निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र मणि निषाद ने बताया कि निषाद पार्टी NDA का सहयोगी दल होने के नाते उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी और फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि बीकापुर में 13 जनवरी को आयोजित होने जा रही संकल्प दिवस में जुटने वाली जनसभा विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तय कर देगी और उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी कितनी सीटों पर और कहां कहां से चुनाव लड़ेगी इसका निर्णय भी बहुत जल्द हो जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि कहा जाता है कि महाराजा गुरुराज निषाद प्रभुराज के बाल सखा थे जिनका ननिहाल अयोध्या में है और इसलिए अयोध्या जनपद में संकल्प दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि निषाद पार्टी हमेशा गरीबों शोषितों के हक के लिए हमेशा लड़ता रहा है और आगे भी गरीबों और शोषितों के हक में संघर्ष करेगा। बीकापुर से लाखों की संख्या में लोग आने की तैयारी चल रही पिछले 4-5 दिनों से और हम लोगों ने 100 बसें कर दी हैं, 350 ट्रैक्टर अभी तक हो चुका है और कम से कम 1000 फोर व्हीलर हो चुके हैं और मुझे लगता है हजारों की संख्या में मोटरसाइकिलें रहेंगी और लोग पैदल ही आसपास के लोग देखेंगे आप इस बार रैली में आसपास के लोग, क्योंकि हमारी निषाद पार्टी डॉक्टर संजय निषाद जी से लोग इतना प्रभावित हैं कि आप सोचो सर्व समाज के लोग उसमें भागीदार। निषाद पार्टी हर साल संकल्प दिवस मनाती है और ये निषाद पार्टी का संकल्प दिवस पहले कभी महाराजा गुहराज निषाद जी के किला श्रृंगवेरपुर धाम में मनाया जाता था, फिर लखनऊ में हम लोगों ने मनाया, गोरखपुर में मनाया, अब महाराजा गुहराज निषाद जी के आत्मबाल सखा बोला जाता है कि प्रभु श्री राम जी के आत्मबाल सखा महाराजा गुहराज निषाद जी थे जिनका ननिहाल अयोध्या में है उस जगह पे हम लोग मना करके और इतिश्री करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ से 2022 का, क्योंकि 2022 सबसे महत्वपूर्ण है इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के गरीब शोषित पिछड़े अधिकार वंचितों के लिए, क्योंकि निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल उन सभी निर्बल शोषित समाज के लिए बनाई गई है जो अभी तक अधिकारों से वंचित रहे हैं, जो अभी तक मान सम्मान से वंचित रहे हैं, कभी पिछड़ों के नाम पे इन्हें लूटा गया, कभी दलित के नाम पर लूटा गया, उन सभी को न्याय उनका हक हिस्सा दिलाने के लिए निर्बल इंडियन शोषित। आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां सैया पुलिस सर्विलांस स्वाट टीम और CIW के साथ बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 शातिर गांजा तस्कर घायल हुए जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। तो वहीं पुलिस ने बदमाशों से 800 किलो गांजा बरामद किया है जिसकी कीमत 2 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। साथ ही 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, मोबाइल और पर्स भी बरामद किया गया है।
आगरा से एक खबर सामने आ रही है जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ हुई जहां पे संयुक्त टीम की और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दो शातिर चोरों को पकड़ा गया है। सैया पुलिस सर्विलांस और स्वाट टीम और साथ ही सीआईडब्ल्यू के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दो शातिर गांजा तस्कर घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। बदमाशों से 800 किलो गांजा बरामद किया गया है और साथ ही जिनकी कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। और इनके साथ साथ ही साथ दो तमंचे, जिंदा कारतूस, मोबाइल पर्स भी बरामद किया गया है इन अपराधियों के पास से। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ चुकी हैं। ममता, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और इसकी जानकारी कैसे मिली पुलिस को कि तस्कर तस्करी कर रहे हैं? जी बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह एक मुखबिर के द्वारा एक सूचना मिलती है पुलिस को, तो उस सूचना के दौरान पुलिस को मिली सूचना के दौरान जब पुलिस वहां मौके पर घेराबंदी करती है तो वहीं जो बदमाश थे उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की जाती है। तो वहीं जवाबी फायरिंग में पुलिस के द्वारा दो बदमाशों के पैर में गोली लगती है, तो वही 8 बदमाशों को मौके से घेराबंदी करके गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। जी ममता, इन अपराधियों के पास से क्या कुछ बरामद हुआ है? बिल्कुल, 8 क्विंटल यहाँ जो अपराधी हैं इनसे दो ट्रक बरामद हुए हैं और 8 क्विंटल लगभग गांजा बरामद हुआ है और 2 तमंचे और जिंदा कारतूस, मोबाइल और पर्स इत्यादि और एक कार भी बरामद हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे से संवाददाता ममता जुड़ी थी आगरा से। आगरा से दबंगों की दबंगई सामने आई है जहां कूड़ा डालने को लेकर विवाद हो गया। मारपीट का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। दबंगों ने घर के आगे कूड़ा डालने की शिकायत को लेकर पड़ोसियों के साथ मारपीट की। दबंगों ने एक दर्जन से ज्यादा महिला और पुरुषों ने पड़ोसी महिला की लाठी डंडे से पिटाई की। साथ ही बचाव में आए पतियों और बच्चों को भी दबंग पड़ोसियों ने पीटा। दो दिन बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वहीं पड़ोसी पीड़ित की शिकायत पर जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। आगरा से ये खबर सामने आ रही है, तस्वीरें भी सामने आई हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। किस तरह से दबंगई करते हुए दिखाई दे रहे हैं दबंग। कूड़ा डालने को लेकर विवाद हो गया था, मारपीट अच्छी खासी हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद भी हो गई है। दबंगों ने घर के आगे कूड़ा डालने की शिकायत को लेकर पड़ोसियों के साथ मारपीट की और दबंगों ने एक दर्जन से ज्यादा महिलाओं और पुरुषों ने पड़ोसी महिला की लाठी डंडे से पिटाई की है। साथ ही बचाव में आए पति और बच्चों को भी बख्शा नहीं गया। दबंग पड़ोस ने बच्चों और महिला को भी पीटा और साथ ही घटना के दो दिन बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और सिर्फ आश्वासन दे दिया है। इस खबर पे हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ी हैं। ममता, ये जो सीसीटीवी में कैद हो गई है दबंगई की घटना, क्या कहेंगे इस पे? ये बुरी तरह से मारपीट की जा रही है कूड़े फेंकने के मामले में। जी बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ये थाना ताजगंज का ये पूरा मामला है जहाँ ये पड़ोसी हैं, पड़ोसी के द्वारा जब कूड़ा डालने से लेकर मना किया गया तो उनके द्वारा इसकी एक बार शिकायत की गई तो 112 नंबर डायल करके शिकायत की गई तो 112 के द्वारा समझा बजा के उनको बता दिया गया कि आगे से इस तरह की कोई कृत्य न किया जाए। फिर भी दोबारा फिर उनके द्वारा इस तरह की घटना को पारित किया गया कि कूड़ा वूड़ा डाल दिया गया। फिर दोबारा महिला के द्वारा थाना पुलिस को सूचित किया गया कि इनके द्वारा, इसके बावजूद भी थाना पुलिस कोई ने कोई भी मामले को ठीक से संज्ञान नहीं लिया और बावजूद उसके जब तीसरी बार कूड़ा जब डाला गया तो महिला को बुरी तरह से मना करने पर उसके साथ मारपीट किया, जहां पत्नी को बचाने के लिए पति और उसके बच्चे आए तो उनको उनके साथ भी काफी बुरी तरह से जो मारपीट की गई है और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हो गई है। जी ममता, ये जानना चाहेंगे कि इस मारपीट में कितने लोग घायल हुए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह 5 लोग तो यहाँ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और बाकी के थोड़ी बहुत जो चोटें हैं वो कई लोगों के लगी है। जी ममता, पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की, क्या पुलिस को इसकी तहरीर दी गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो पुलिस की जो कार्रवाई की अगर हम बात करें तो पुलिस ने यहाँ कार्रवाई में ढील डाल दी थी। यही कारण रहा कि उन्होंने तीसरी बार भी उनके साथ जो कूड़ा डालने में मना करने पर उनके साथ बड़ा बुरी तरह से उनके साथ मारपीट की। और वहीं बताया जा रहा है कि किसी बीजेपी के जो नेता हैं उनके द्वारा कोई फोन ऑन, जो सूत्रों के मुताबिक जो बात आ रही है सामने निकलकर, वो किसी बीजेपी नेता के दबाव में आकर थाना पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ममता जुड़ी थी आगरा से।
खबर सोनभद्र से है, जहां थाना करमा पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी से 21 गौवंशों को बरामद किया है। बता दें कि 6 अभियुक्त को 21 गौवंशों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए शातिरों के कब्जे से 2 अवैध असलाह भी बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि शातिर तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सोनभद्र से गौ तस्करी का ये मामला सामने आया, जहां 6 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 21 गौवंशों के साथ इन 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, इनके पास से तमंचा भी मिला है। प्रतापगढ़ की पट्टी कोतवाली क्षेत्र में अचानक छप्पर में आग लगने से छप्पर में सो रहे अधेड़ की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने शव बाहर निकाला और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रतापगढ़ से एक खबर सामने आ रही है, जहां छप्पर में आग लगने से अधेड़ उम्र के व्यक्ति की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। अचानक छप्पर में लगी आग से दहशत फैल गई और जब व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया तो इलाके में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।